दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय पाइट एनसीआर कॉलेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। ये खबर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप लोग बार बार वॉइस ऑफ पानीपत से सवाल कर रहे हैं कि आखिरी डेट कब आ रही है, क्या नए कोर्स आए हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए आज हम लोग फिर से पाइट कॉलेज में पहुंचे हैं। मेरे साथ वाइस चेयरमैन राकेश तायल जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो बधाई, कोविड के दौरान भी आपका अच्छा रिजल्ट। देखिए, पाइट हमेशा से कुछ ना कुछ नया करता रहा है और कोविड आया पर लेकिन हमारे टीचर्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने मेहनत की है कोविड के टाइम के अंदर भी, और आपने रिजल्ट्स देखे होंगे तो हमारे पास 100% रिजल्ट्स स्टूडेंट्स ने दिए हैं और टॉप 20 रैंकिंग्स में से 15 रैंकिंग्स, 14 रैंकिंग्स इस तरह से हमने पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर किया है। तो इट्स बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके स्टूडेंट्स और टीचर्स की जो मेहनत है वो सामने आती है एंड इट्स बीन अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। तो इट्स रियली यू नो विच मेक्स अस फील प्राउड। सर, अभी बच्चे कंफ्यूज हैं डेट को लेकर, लास्ट एडमिशन डेट आपके कॉलेज की बात करते हैं, क्या एडमिशन डेट लास्ट रखी गई? देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी जहाँ पे एडमिशन्स की जो प्रोसेस था वो स्टार्ट नहीं हो पाया था, तो इसके मद्देनज़र पूरे अभी पहले तो हमारी एक जो लास्ट डेट थी वो 5th of December थी, तो उसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 31st of December तक। पर इसमें सारे कोर्सेज नहीं आते हैं, इसमें आपका BTech, BBA, BCA, MBA, MCA इस तरह के कोर्सेज हैं जो इसमें आते हैं। और जैसे आपको पता है कि हमने इसी साल से एक डिग्री कॉलेज भी स्टार्ट किया था जिसमें आपके BCom ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स इस तरह के कोर्सेज आते हैं। इनकी जो लास्ट डेट है वो अभी 12th December को ही है, सो उसके लिए आपके पास एक दिन और बचा है उन लोगों के लिए जो इस चीज़ के अंदर अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि इतना जो लोग रुक रुक के अभी सोच रहे हैं कि हम इस साल करें ना करें, उन लोगों के लिए यही एक काइंड ऑफ टिप्स यू कैन टेक इट दैट वे कि अपना टाइम ना ख़राब करें। और आप सोच रहे हैं कि एक साल हम वेट करें तो आपको वेट नहीं करना चाहिए और आपको कदम उठाना चाहिए कि आप अपने अपने जो एजुकेशन कैरियर है उसको आगे लेके जाएं और अपने सिस्टम को ठीक करें, अदरवाइज़ यू विल बी लूजिंग वन होल ईयर। और जिन स्टूडेंट्स के साथ, जिन फ्रेंड्स के साथ आप पढ़े हो, आप उनसे एक साल जूनियर हो जाएंगे। एंड अब कोविड के अंदर बहुत कुछ सिखाया भी है, कुछ नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो स्टफ़ आया है और ये सारी चीज़ों को चेंज कर रहा है। तो जितना जल्दी आप नई सिस्टम को सीख पाएंगे, नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को सीख पाएंगे, तो उतनी ही आपको इंडस्ट्री में उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी है। तो एक तो आप अपने आप को लेट करेंगे एंड देन डेफिनेटली देन यू विल बी लैगिंग बिहाइंड इन दैट पर्टिकुलर रेस। सो इट इज़ काइंड ऑफ एन ए गुड रिकमेंडेशन दैट कि बच्चे इस चीज़ को समझें और अपने टाइम को बहुत यूटिलाइज करें, क्योंकि इस दौर के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला है बच्चों को भी और टीचर्स को भी, और यही इन चीज़ का आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। कोविड गया नहीं अभी, ये पूरा साल तो लगभग ख़त्म होगा, दिसंबर चल रहा है, अभी कोविड आगे भी रहने, क्या फ़र्क रहा पढ़ाई को लेकर और आगे कोविड क्योंकि चलना है, इसका कोई इलाज अभी तो आया नहीं, अभी तो वैक्सीन बन रही है, आगे क्या पढ़ाई को लेकर क्या है तैयारियां आप लोगों की? देखिए, हमने हमेशा से नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हम फोकस हमने किया है। तो हम देखिए, एक होता है फ्लिप बेस एजुकेशन, एक होता है ब्लेंडेड एजुकेशन, अभी हम जो कर रहे हैं हाइब्रिड एजुकेशन। तो हाइब्रिड एजुकेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन या प्रैक्टिकल लैब्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स जिनके क्लासेस इन्वॉल्व हैं उन स्टूडेंट्स को हम कॉलेज में बुला रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स जिनके पास घर के अंदर इंटरनेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है इन स्टूडेंट्स को हम कॉलेज में बुला रहे हैं। और हमारे हर क्लासेस के अंदर आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज आके पढ़ना चाहते हैं, तो इसकी दोनों को मिक्स करके एक हम हाइब्रिड क्लासेस चला रहे हैं एंड टीचर कैन इंटरेक्ट विद बोथ द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग एट होम एंड स्टूडेंट जो क्लास में मौजूद है, और वो भी बच्चे देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है विच आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ यू नो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी विच इज़ अवेलेबल विद पाइट। और कोविड से पहले भी हमारे पास सारे जो वीडियो लेक्चर्स जो होते थे वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में स्टूडेंट्स को मिलते थे,
तो बच्चा कोई क्लास मिस कर दे तो वो उसको अटेंड कर सकता है कभी भी, एनी वेयर एनी टाइम लर्निंग कॉन्सेप्ट में। और उसके बाद हम फ्लिप बेस्ड लर्निंग के हिसाब से बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को हम एड्रेस कराते रहे हैं और अभी भी कराते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से तो एक एडेड एडवांटेज मिला है इन सब तरह की चीज़ों से, क्योंकि अब हम बहुत सारी फॉरेन फैकल्टी मेंबर्स और ऐसे फैकल्टी मेंबर्स जो वैसे आपके कॉलेज में नहीं आते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इन लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है और वो इन सब चीज़ों के कोर्सेज को लेते हैं और उनका एक आउटलुक बदला है। तो बच्चे अब अपनी प्रेजेंटेशन खुद देते हैं, दे हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन ब्लेंडेड एंड हाइब्रिड क्लासेस। तो ये एक अनएक्सप्लोर्ड जो चैनल्स थे उनको बच्चों ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है और उसको एंजॉय भी करना अब स्टार्ट कर दिया है। तो अब जैसे आपकी क्लासेस फेस टू फेस लगने भी लगेंगी, फॉर्मल क्लासेस भी लगने लगेंगी, क्योंकि वैक्सीन ऑलमोस्ट आ गई है। सो एनीवेयर इन द मंथ ऑफ जनवरी आपकी वैक्सीन्स लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, पर लेकिन उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो 2 महीने तक आएंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली यू कैन से दैट यू विल बी सेफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट। तो अगर यही एक चीज़ अगर आप स्कूल्स के लिए भी कह सकते हैं, कॉलेजेस के लिए भी कह सकते हैं, कि जो एक एक्चुअल में जो आप फॉर्मल जो एक एजुकेशन है दैट वुड बी पॉसिबल इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई वुड से, बट टिल देन देर विल बी सम काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट्स वेयर इन जहाँ पे जिन बच्चों को बहुत ज़रूरी है क्लासेस में आना, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के क्लासेस के अंदर कुछ रोटेशंस या रोस्टर्स प्लान्स बना के, तो इन सब चीज़ों को किया जा सकता है। और जितना इफ़ेक्टिवली आप इन चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे ताकि जो बच्चे, कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे, उसको जो चीज़ें जो कमियां हैं जो आप ऑनलाइन में नहीं दे सकते हैं उनको आप ऑफलाइन में बच्चों को बुला के आप कर सकते हैं। तो और जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए भी हमने ग्रीन सिग्नल हमने दिया है कि अगर आप आना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम, आपको अपना कोविड टेस्ट करा के आना है। और हमारे हम कॉलेज में भी एवरी सेकेंड डे हम सैंपल्स लेते रहते हैं, चाहे वो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं। अभी अप्रॉक्सीमेटली हमने लास्ट कुछ दिनों में 400 टेस्ट लिए हैं, जिसमें से सिर्फ एक हमारे एक मेंबर का कोविड पॉजिटिव आया था, और वो भी कोई शादी से लौटे थे, वो 5-6 दिन में वहीं से उनकी तबीयत ख़राब थी, तो हमारे कुछ सफाई कर्मचारी थे तो उनके साथ वो हुआ था। तो हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि आपके पास कौन स्टाफ मेंबर्स हैं, कैसे क्या है, ताकि ये चीज़ें फैले ना। और जो कंटिन्यूस चेकिंग और इन चीज़ों के ऊपर बहुत सेफ आपको बनाती हैं कि आपको पता चलता है कि आपके कौन लोग कहाँ हैं और कैसे हैं। ना बच्चे डरे हुए थे, उनके गार्जियन डरे हुए, अभी स्कूल भेजे कॉलेज ना भेजे, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के ऑलमोस्ट सब कुछ खुल गया। ऐसे में रूटीन में अब आप कॉलेज में क्या, बच्चे आ रहे हैं से अब उभर रहे हैं? यस, बच्चे आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारा बहुत इंट्रैक्शन जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, हमने कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी आज बुलाए हुए हैं। पहले तो हम सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ही ये अपॉर्चुनिटी दे रहे थे कि वो कैंपस में आए, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैंपस लाइफ देखी है, दे नो यू नो हाउ इट फील्स टू गो टू अ कॉलेज। पर लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी स्कूल से आए हैं और उनको फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कि कॉलेज जाना है, सो वो बहुत ज़्यादा डेस्पिरेट थे कि उनको कॉलेज लाइफ देखें वो। तो हमने पहले उन लोगों को लिए एक थोड़ा सा एक स्मूथ पैसेज उनके लिए तैयार किया कि सबसे पहले वो आएँ ताकि हम उनके लिए प्रॉपर सारी सुविधाएं उनको दे सकें। सो वंस दिस थिंग्स गेट मटेरियलाइज देन वी विल बी कॉलिंग द सीनियर स्टूडेंट्स एज वेल। तो ताकि हम एक उसको एक हमने सिस्टमेटिक तरीके से उसको एक उसमें डाला। और हमने अभी आज मेरा इंट्रैक्शन भी है, एक हमने एक बैच बनाया सुपर 30 बैच। तो सुपर 30 बैच हमने पहले फर्स्ट ईयर के लिए किया था, तो फिर हमें लगा कि वाई नॉट दिस काइंड ऑफ एन फैसिलिटी शुड बी गिवन टू आर सीनियर स्टूडेंट्स एज वेल। तो ये एक सुपर 30 स्टूडेंट्स हैं आज, वो आज हमारे कॉलेज में आएंगे, सो एक उनके लिए एक रेड कारपेट वेलकम है आज उन बच्चों का कॉलेज में। बड़ी अच्छी बात है। दूसरा एक न्यू कोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था आपसे पहले, कुछ रोबोटिक कोर्स आई थे, ML कुछ ऐसे कोर्स थे, उसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है स्टूडेंट्स में? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि आने वाला टाइम जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड
इसमें आपके चाहे रोबोटिक्स के कोर्सेज हों, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, ब्लॉकचेन हो, या ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी हो, तो बहुत स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल दिस कोर्सेज। और हमारा जो IBM है, इसके साथ हमारा करार हुआ है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है हम दोनों में, और इसके अंदर बच्चों को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर जो है कॉर्पोरेट लेवल से मिलेगा। उनको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिग्री भी मिलेगी और IBM की सर्टिफिकेशन भी मिलेगी, और बहुत सारी और कंपनीज़ जो आपकी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं और आपके स्टार्टअप्स हैं, इनके साथ भी हमारा और टाई अप है, जिनके अंदर इन बच्चों को ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिसके अंदर हम इन चीज़ों के अंदर वो बच्चे काम कर सकेंगे। तो जो अभी स्टूडेंट्स हमारे जो 20 लाख 25 लाख तक की ही मैक्सिमम सैलरी पैकेज ले पा रहे थे, सो होपफुली ये अपने स्टार्टअप्स बनाएंगे और शायद ये करोड़ों में जाएंगे। तो यही एक फ़ायदा होता है जब आप एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आते हैं, एक इमर्जिंग चीज़ों के अंदर एक बच्चों को नया एक्सपोजर देते हो, एक नया प्लेटफॉर्म देते हो, एंड हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि नई चीज़ें सीखने को और सिखाने को मिल रही हैं। तो इसके लिए हमने बहुत बड़े बड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स बनाए हैं, और एक बहुत अच्छी टीम तैयार हुई है, एंड बहुत ही वेलकमिंग हमारा इसका रिस्पॉन्स रहा है। सब बच्चों ने इसको बहुत, पेरेंट्स ने सराहा है कि आपके IP यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, दिल्ली में ये कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, पूरे हरियाणा में कहीं और ये कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो एक पहल है, और जब आप पहल करते हो तो फिर आप उसके अंदर आगे लेके चलते हो उस चीज़ को। लास्ट सवाल, एक तो प्रिकॉशन क्या रख रहे हो आप कॉलेज में, क्योंकि जो बच्चे देख रहे हैं वो अभी भी डरे हुए हैं कि आगे जाके क्या माहौल रहेगा। दूसरा भी, आपने एडमिशन की बात की, एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, एडमिशन तो ऑलमोस्ट हमारे हर चीज़ के अंदर एडमिशन्स ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, एंड आई विल टेल यू दैट जो एक नॉर्मल टाइम से हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कोविड टाइम्स में, और इसका श्रेय इस पे जाता है कि हमने कोविड के टाइम में भी बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, नए अच्छे कोर्सेज देके आए हैं, और बहुत अच्छे टाइप्स किए हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे स्टूडेंट्स ने ही बहुत ही अच्छा एक इकोसिस्टम तैयार किया है कोविड कंप्लायंस का। हमारे पास कोई भी वाटर टैप है, या टॉयलेट्स की जो टैप्स हैं, या जो पीने के लिए जो टैप्स हैं, हमने वो सबको सेंसर बेस किया है, तो कहीं पे भी टच बच्चों को करने की ज़रूरत नहीं है। हर बिल्डिंग के अंदर आपके एंट्री पॉइंट्स के ऊपर सबके अंदर आपके टेम्परेचर डिटेक्शन पॉइंट्स लगे हुए हैं, वो भी सब ऑटोमेटिक हैं। आपके सेंसर्स लगे हुए हैं, आपके अटेंडेंस के ऊपर फेस रिकग्निशन अटेंडेंसेस हैं, आपके टेम्परेचर रीडिंग मशीन्स हैं, आपके सैनिटाइजिंग भी सेंसर बेस्ड सैनिटाइजिंग मशीन्स हैं। तो ये सारा जो इकोसिस्टम्स हैं, ये बच्चों ने तैयार किए हैं, अपने कॉलेज में बच्चों ने तैयार किए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि अब हम अगर कोई किसी सामाजिक संस्था को अगर हम अभी अप्रोच करेंगे, तो स्टूडेंट्स अगर अप्रोच सेक्रेटरीट ऑल्सो, हॉस्पिटल्स ऑल्सो, ताकि अगर उनको भी कुछ मदद चाहिए इस तरह की, जो जहाँ बहुत ज़्यादा टच पॉइंट्स रहते हैं टैप्स पे, क्योंकि लोग पानी पीते हैं और चीज़ें करते हैं, तो वो नॉर्मल उसको रोटेट करके ही करते हैं, तो उसको हम सबको टचलेस बना सकते हैं। तो ये हमारा एक मुहिम भी रहेगी, हम पानीपत को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से बचा सकें। और यही एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अगर एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है आपके शहर में, तो उसकी कहीं ना कहीं चीज़ दिखनी चाहिए कि मार्केट के अंदर, पूरी सिटी के अंदर, कि उसकी मदद से लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा हो। तो हम ये चाहेंगे कि लोग आएँ, जिनको कोई प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड हमसे बात करें, सो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प द सोसाइटी एट लार्ज। आम पब्लिक तो शायद कोविड के इस दौर को भूल जाए, जैसे लोग कहते थे ये साल याद रहेगा लोगों को, लोग भूलते जा रहे हैं, अभी कोविड आया भी था नहीं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चों को नई चीज़ें सीखने को मिली है, या आपने जो भी जिक्र किया कि टीचर को भी बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, बच्चों को भी मिल रहा है, तो भविष्य में ये चीज़ें काम आएंगी? बिल्कुल काम आएंगी, क्योंकि इसी तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं और एजुकेशन चेंज होता है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, और हम भी बहुत दिनों से एजुकेशन 4.0 के बारे में बात करते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों के बारे में ही बात करती हैं कि आपको सस्टेनेबल लर्निंग की तरफ जाना है, उन तरह की चीज़ों की तरफ जाना है जो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स लेके आ सकें, कुछ लॉन्ग टाइम चेंजेस लेके आ सकें। तो यही है, जब आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट रहते हैं किसी भी चेंज को लेके, तो आप सीख नहीं पाते। तो आपको अपने माइंड को ओपन रखना है, पुरानी चीज़ों को एक बार भुलाना भी है कुछ नया लर्न करने के लिए। तो अगर आप यही सोचेंगे कि जी पुराना क्लासरूम के तरह ही मेरे को चीज़ें करनी है, तो दैट इज़ नॉट गोना बी देयर।
अब आपका कोई जिस दिन छुट्टी का दिन होगा उस दिन भी आपकी क्लासेस लग सकती हैं, आपकी हॉलीडेज़ जब आपके समर हॉलीडेज़ होते हैं उसमें भी जाके टीचर आपको किसी एक दिन में बीच में आके आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी अब और बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। सो जो जिस तरह से पहले एजुकेशन होती थी, डेफिनेटली आने वाले टाइम में उस तरह की एजुकेशन नहीं होंगी। इट विल बी, पहले अगर आपको 1x मिलता था तो अब आपको 2x, 3x, 4x तक चीज़ें जाएंगी, क्योंकि चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। लोगों को मालूम नहीं था कि और क्या क्या अवेलेबल हो सकता है, तो वो एक अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ के अंदर अब लोग जाने के इच्छुक भी होने लगे हैं और मज़ा भी आने लगा है। तो डेफिनेटली इज़ गोना चेंज द कोर्स ऑफ एजुकेशन। ताहिल साहब, सुपर 30 जो बैच है, क्या चीज़ें हैं, पब्लिक जानना चाहती हैं ये सुपर 30 क्या आया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, सुपर 30 हमने सबसे पहले सुपर 30 बैच स्टार्ट किया था कि हम ऐसे टैलेंट्स जो थोड़े से अगर फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं भी हैं पर लेकिन वो अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं पर लेकिन उनके पास टैलेंट है, तो उन बच्चों को हम कैसे मौका दें। तो हमने इसके लिए सोचा कि हम एक सुपर 30 कॉन्सेप्ट लेके आए। सुपर 30 के अंदर हमने ये था कि ऐसे स्टूडेंट्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, पर लेकिन इनका जो क्राइटेरिया होगा, हाउ वी गोना रिक्रूट दिस स्टूडेंट्स, दैट विल बी डिसाइडेड बाय अस। तो हम इसके अंदर कोई आपके CBSE के एग्ज़ाम पैटर्न या उनके मार्क्स से हम इन चीज़ों को डिटरमाइन नहीं करते कि अगर उनके 95% मार्क्स आए हैं, 100% मार्क्स आए हैं तो उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। अगर आपके 60% मार्क्स भी आए हैं पर लेकिन आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप एक्सीलेंट हैं, आपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया है, आपकी बहुत अच्छी रेफरेंसेज रिकमेंडेशंस हैं आपके प्रिंसिपल्स की, आपके टीचर्स के, आपने ओलंपियाड्स में बहुत अच्छा किया है, आपने कुछ साइंस प्रोजेक्ट्स में काम किया है, आपने किसी भी चीज़ के अंदर जिससे हम आपकी पर्सनालिटी की इवेल्यूशन कर सकें, आपके कॉन्फिडेंस को जान सकें, ताकि ये जो बच्चे होते हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आगे कर सकते हैं। तो हम इन बच्चों को आगे लेके आना चाहते हैं, लाइक हु बिकम्स द रियल हीरोज़, ताकि ये चीज़ें आएँ और एक कुछ नया करके दिखाएं। हम ये नहीं चाहते कि जो बिल्कुल किताबी सिस्टम में रहते हैं, कॉपी बुक स्टाइल में रहते हैं, कि जो चीज़ लिखा है उतना ही उनको मालूम है। ऐसे बच्चे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेस ज़िंदगी में नहीं कर पाते। तो क्योंकि हमने एक बहुत, आप समझें कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर हम लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा फ्यूल है वो स्टूडेंट्स हैं, और जब तक हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स नहीं होंगे तब तक कुछ बहुत अच्छा आउटकम उससे निकल के नहीं आएगा। तो इसलिए हमने ये सुपर 30 कॉन्सेप्ट है जो हम लेके आए हैं, और हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हमने इस पर्टिकुलर सुपर 30 से हमने अभी रिक्रूट किए हैं। तो फिर कुछ हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो वहाँ से भी कुछ बातें हैं कि सर दिस इज़ ओनली फॉर फर्स्ट ईयर एंड नॉट फॉर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर, तो हमने उन लोगों के लिए भी ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, और आज उनसे पहली मुलाकात भी है जो बच्चे हमारे जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जिनसे हमने सुपर 30 के अंदर जो हमने चुना है, तो उनसे भी आज हमारा इंटरेक्शन होगा कि हम उनको किस तरह से हेल्प करेंगे, उनको किस तरह से नई जो ट्रेनिंग्स हैं, चाहे इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हैं या कुछ और हैं, क्योंकि हम इन सब बच्चों के लिए सब चीज़ें ये फ्री कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग विल बी स्पेंड बाय द इंस्टीट्यूशन। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि ये बच्चे कुछ ना कुछ शाइन करें और देश का नाम रोशन करें, क्योंकि डेफिनेटली जब ये चीज़ आगे निकलेंगे तो सिर्फ पाइट का नाम रोशन नहीं करेंगे, ये देश का नाम रोशन करेंगे, और कुछ ना कुछ ऐसा लेके आएंगे जो लोग प्राउड फील करेंगे कि ये चीज़ें सिर्फ चाइना क्यों बनाता है, ये सब चीज़ें अमेरिका ही क्यों बनाता है, तो ये चीज़ें हमारे इंडिया में भी संभव हैं। बस आपको बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको वो चीज़ देनी है कि येस यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, और उनकी जो कड़ियों को जोड़ना है, उनकी कड़ियों को ऐसी चीज़ों को जोड़ना है ताकि आगे तक जाएं। ये सिर्फ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की एप्लीकेशन लगाएं, मैं ऐसा नहीं चाहता कि या तो मल्टीनेशनल कंपनी उनके पास आए कि जी हाँ मुझे ये चाहिए, और वो देखें कि जी मुझे कहाँ जाना है। मैं तो ये चाहूँगा कि वो अपनी कंपनी बनाए और देश को आगे लेके जाएं, और हम जो क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम चाहे युद्ध कर लें किसी के बॉर्डर पर या किसी भी चीज़ से कर लें, अनलेस एंड अनटिल हम टेक्नोलॉजिकली और लोगों से और देशों से अच्छा नहीं करेंगे तो हम कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। तो यही मेरा जो हमेशा मैं जो कहता हूँ कि हमें एजुकेशन 4.0 में जाना है, नई टेक्नोलॉजी को सीखना है और सिखाना है, तो उसका जो साकार है मुझे वो सुपर 30 लगता है।
और वी विल बी इन्वेस्टिंग ए लॉट ऑन दिस सुपर 30 कॉन्सेप्ट, और हम करोड़ों रुपए हम इस सुपर 30 के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ हम एक आशा से कि एक सक्सेस स्टोरी, दो सक्सेस स्टोरी, पता ना जाने कितनी सक्सेस स्टोरीज बनेंगी आने वाले टाइम में। ऑलमोस्ट जो आपके सवाल थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ और भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोबारा मौका लगा तो राकेश दयाल जी के पास फिर से आएंगे और उनसे सवालों का जवाब लेंगे। इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर बच्चे तक ये इंटरव्यू पहुँच सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Bite is the right choice for you. Yeah, ET.